आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप सबको जानकारी होगा कि बिहार टेट एवं सीटेट की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने 13 फरवरी 2019 को बिहार के गर्दनीबाग पटना में धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट यहां पर कि सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक बिहार टेट एवं सीटेट की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों ने खूब नारेबाजी की। विधानसभा घेराव करने में बिहार टेट एवं सीटेट की परीक्षा में पास अभ्यर्थी असमर्थ रहे, लेकिन बिहार टेट एवं सीटेट की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस से कई बार धक्का मुक्की भी हुई। जी हाँ, आपको बता दे टीटी सफल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान बुधवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर जाने से रोका। बिहार टेट एवं सीटेट की परीक्षा में पास अभ्यर्थी गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर शांति से बैठे हुए थे, लेकिन अचानक वे विधानसभा की ओर जाने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे धक्का मुक्की व हंगामा करने लगे। आपको बता दें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब स्थानीय पुलिस से हालात जो है नहीं संभाला गया तो जो है मजिस्ट्रेट को फाइनली बुलाना पड़ा। बता दें जब बिहार टेट सीटेट की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की एवं झड़प करने लगे तो फाइनली यहां पर मजिस्ट्रेट को आना, और मजिस्ट्रेट के आने के बाद फिर भी बिहार टेट सीटेट की परीक्षा में पास अभ्यर्थी लगातार जो है हंगामा कर रहे थे। इसके बाद फाइनली जो है काफी समझाने और बुझाने के बाद बिहार टेट सीटेट पास अभ्यर्थी वार्ता के लिए तैयार। परीक्षा में पास अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन से वार्तालाप करने पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार अभी शिक्षकों की बहाली को लेकर के थोड़ा भी प्रयासरत नहीं है, यानी कि वे अभी बहाली करने के दिशा में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला दे रही है जो कि बिहार टेट एवं सीटेट की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को सरकार बार बार जो है, और शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आ रहा है वह गुमराह करने का काम किया जा रहा है। विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अभी बहाली के संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, इस संदर्भ में किसी भी तरह की चर्चा नहीं है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि अभी शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक बहाना बता रही है। इस दिशा में अभी किसी भी तरह की कार्य नहीं चल रही है, ना ही किसी तरह की चर्चा है, ना किसी तरह के जिक्र है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि सरकार नहीं चाहते हैं कि अभी बहाली की प्रक्रिया, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। सर मेरे को ये काम है, मेरा शादी है, मेरा विवाह है। अरे यार तुम्हारे यहाँ शादी है, विवाह है, सब चीज है, बहुत सारे जिला अध्यक्ष है जो हमारे यहाँ नहीं उपस्थित है। मैं नाम नहीं रखूंगा, आप सभी जिला अध्यक्ष को मैं सिर्फ ये बता दूं कि जो यहाँ है हमको लगता है कि उनको सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है। जो घर में बैठे हैं हमको लगता है वो तो मिल गए भगवान करो कोई सिस्टम है। अभी मैं सब जिला अध्यक्ष से आप सभी को परिचय कराऊंगा बारी बारी से। सबसे पहले अमित कुंदन जिया है, अमित कुंदन जी अपना हाथ ऊपर करेंगे अगर मेरी आवाज सुना है तो। पटना जिला अध्यक्ष अमित कुंदन जी, आरा जिला अध्यक्ष नीतीश पांडे,